आप हमारे चैनल में पहले आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन दबाइए, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू। आपको हमारा चैनल डेवलप गुरु में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मालदा क्यूल सेक्शन में हाई स्पीड ट्रेन चलेगी कब से, आखिर तक जरूर सुनेगा, और अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ऐसे न्यूज में लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे ने देश भर की ट्रेनों में स्पीड बढ़ाने को लेकर प्रयास कर रही है। घंटों ट्रेन का परिचालन में सुधार के लिए अब रेलवे एक ट्रेन में दो दो इंजन लगाने पर विचार कर रही है। इसमें पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन प्रशासन ने मालदा से क्यूल के बीच चलने वाली लंबी दूरी के ट्रेनों में पुशपुल इंजन लगाने के लिए रेलवे बोर्ड नई दिल्ली को प्रस्ताव भेजा है। अगर अनुमति मिली तो मालदा क्यूल रेलखंड के लंबी दूरी के ट्रेनों में स्पीड बढ़कर 130 हो जाएगी। हालांकि मालदा रेल प्रशासन ने रेल पटरी को भी हाई स्पीड के लायक बनाने में जुट गई है तथा सभी ट्रेनों को इलेक्ट्रिक इंजन से लेस करने की कोशिश जारी है। इस बाबत पूर्व रेलवे के कोलकाता के CPRO NK चक्रवर्ती ने बताया कि पुशपुल इंजन के उपयोग ज़्यादातर हिल स्टेशन में किया जाता है, लेकिन समतल रेलखंड पर उपयोग से निश्चित ही स्पीड बढ़ जाएगी। थैंक यू।